कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे ट्रैक्टर के बारे में बात करने वाले हैं जो कि भारतीय मार्केट में बहुत ज़्यादा बवाल मचा रखा है और इसी ट्रैक्टर के चर्चे हुए जा रहे हैं। किसान भाइयों, आज हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर के बारे में। तो किसान भाइयों, इस ट्रैक्टर में आपको 33 CC का इंजन मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा, रिलायबल और पावरफुल इंजन माना जाता है। यहाँ हम बात करें तो डुअल हमको हाइड्रोलिकली प्रेशर पम्प मिल जाते हैं जो कि एक पावर स्टीयरिंग के लिए, एक हाइड्रोलिक के लिए दिया जाता है। वेंटिलेटर मिल जाएगा 88 वाट का और यहाँ हमको ऑयल फिल्टर भी देखने के लिए मिल जाएगा। किसान भाइयों, यहाँ हम देखें तो 2.5 किलो वाट की हमको इंजन स्टार्टर मोटर मिल जाती है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से इंजन को स्टार्टर कर देती है। यहाँ 50 HP सेगमेंट में सबसे बड़ा हमको जो है हाइड्रोलिकली ऑयल फिल्टर मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से इंजन ऑयल फिल्टर करने का काम करता है। यहाँ हम डुअल एक्टिंग हाइड्रोलिकली प्रेशर पंप मिल जाता है, पावर स्टीयरिंग के लिए काफ़ी अच्छे माना जाता है। रैली ट्रैक्टर हमको 4-व्हील ड्राइव में ऑफर करता है और इस एक्सल की ये खास बात है, इसमें आपको पडलिंग जैसी काम करते समय इस कीचड़ जैसी शिकायत इस ट्रैक्टर में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी कि स्पेशल पडलिंग के नाम से ये ट्रैक्टर ऑफर करती है कंपनी। हमको हैवी ड्यूटी बम्फर मिल जाएगा यहाँ देखने के लिए, काफ़ी अच्छा बम्फर ऑफर करती है कंपनी। सिंगल पीस बोनट के साथ ऑफर करती है कंपनी इस ट्रैक्टर को, देख सकते हैं ऑपरेशन दिया गया है। राइट साइड की बात करें तो 3 सिलेंडर बॉस कंपनी का पंप मिल जाएगा, 3300 CC का इंजन ऑफर कर दी है कंपनी इस ट्रैक्टर में। आपको इंजन ऑयल फिल्टर देखने के लिए मिल जाए, डीजल फिल्टर करने के लिए मिल जाएंगे और यहाँ पर वीक वाटर सेपरेटर भी दिया गया है। किसान भाइयों, हम बात कर रहे हैं आइसर 551 ट्रैक्टर के बारे में जो कि 50 HP सेगमेंट में ऑफर करती है कंपनी इस ट्रैक्टर को। प्राइमर G3 सीरीज का ये ट्रैक्टर है जो कि बहुत ही एडवांस न्यू टेक्नोलॉजी के साथ ऑफर करती है कंपनी इस ट्रैक्टर को। किसान भाइयों, इस ट्रैक्टर में आपको हैवी ड्यूटी 33 CC इंजन और बहुत सारे एडवांस फीचर के साथ, यहाँ बात करें तो हीस गार्ड भी मिल जाएगा और यहाँ पर आपको आइसर की बेजिंग दिख जाएगी और यहाँ पर बैटरी बॉक्स भी दिया गया है। यहाँ 551 की बेजिंग 5 स्टार की रेटिंग दी गई है और ट्रैक्टर का जो कलर कॉम्बिनेशन है, ब्लैक और रेड का कलर कॉम्बिनेशन रखा गया है। ऑयल बार टाइप हमको ब्रेक मिल जाएंगे, यहाँ पैर एक्सीलेटर का ऑप्शन दिया गया है। प्लेटफॉर्म की हम बात करें तो थोड़ी डिसेंट टाइप दिया गया है। यहाँ पर हमको पार्किंग ब्रेक का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर जो है साइड इंडिकेटर ब्रेक लाइट का भी ऑप्शन दिया गया है। टूल बॉक्स काफ़ी बड़ा दिया गया है जिससे आप ज़रूरत की चीज़ें इसमें कैरी कर सकते हैं। EMRF के हमको रियर टायर मिल जाएंगे जो कि काफ़ी अच्छी ज़मीन में बनाते हैं, 14-28 के टायर साइज मिल जाएंगे इस ट्रैक्टर में। अगर हम इसके राइट साइड व्यू की बात करें तो ट्रैक्टर का देख सकते हैं काफ़ी अच्छी जो है ऊँचाई रखी गई है। किसान भाइयों, लाइट की हम बात करें तो हैलोजन टाइप हेडलैम्प्स दी गई हैं जो कि काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव बनाता है ट्रैक्टर को और यहाँ आपको मेटालिक टाइप पेंट देखने के लिए मिलता है जिससे गर्मी की धूप है इसमें भी आपको जैसे कलर कम होने जैसी शिकायत इस ट्रैक्टर में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। 2 साइड हमको हीस गार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, इसमें आपको 50 HP का ट्रैक्टर है और इसमें आपको 50 से 55 लीटर की डीजल टैंक कैपेसिटी मिल जाएगी इस ट्रैक्टर में। जो ट्रैक्टर की शो है काफ़ी अच्छी रखी गई है, ट्रैक्टर के चढ़ने के लिए फुल स्टॉप मिल जाएंगे। ट्रैक्टर के हम पिछले हिस्से की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं 2050 kg की लिफ्ट कैपेसिटी मिल जाएगी इस ट्रैक्टर में जो कि काफ़ी अच्छा बनाता है इस ट्रैक्टर को और यहाँ आपको काफ़ी अच्छी जो है लिंकेज मिल जाएंगी हैवी ड्यूटी। यहाँ आप इम्प्लीमेंट के हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं 2 साइड और इम्प्लीमेंट एडजस्टेबल भी अलग से दिया गया है। इस ट्रैक्टर की हम 43.5 HP की पीटो पावर मिल जाती है इस ट्रैक्टर में, ये देख सकते हैं। इसको खोलकर आप पीटो से अटैचमेंट कर सकते हैं। 540 या 540 E का ऑप्शन इसमें आपको मिल जाता है। 3 सेंसिंग गेज मिल जाएंगे, इसको आप एडजस्टमेंट करता है। यहाँ पर आपको टापरिंग टांगने का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर टिपिंग ट्रॉली जैसे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे और लाइट रिफ्लेक्टर मिल जाएगा। यहाँ बॉटल होल्डर दिया गया है, यहाँ से आप कनेक्टिविटी ले सकते हैं, LED कनेक्टिविटी, हैलोजन टाइप हेडलाइट्स मिल जाएंगे और यहाँ पर ब्रेक लाइट पहले से जो है बड़ी कर दी गई है। और फेंडर की हम बात करें तो काफ़ी मजबूत टाइप फेंडर दिए गए हैं। जो आइसर ट्रैक्टर है इनकी मजबूती की बात ही अलग है क्योंकि किसी प्रकार का जो है मजबूती में कसर नहीं लगाते हैं। यहाँ से हम बात करते
देख सकते हैं चढ़ने के लिए फुट स्टॉप मिल जाएगा। यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का बैटरी मोबाइल चार्जिंग का सॉकेट मिल जाएगा। क्या आप यहाँ मोबाइल भी कैरी कर सकते हैं, पानी जैसी शिकायत आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। फेंडर काफ़ी बड़े दिए गए हैं। यहाँ पर आपको ग्रिल भी देखने के लिए मिल जाएगी। लो हाई में मिल जाता है ये ट्रैक्टर, 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स के कॉन्समेस टाइप के साथ। सीट आपको लग्जरी सीट मिल जाएगी, काफ़ी अच्छी फील दिलाती है। और यहाँ हमको ऑयल ब्रेक के ड्रम दिए गए हैं। इंटीरियर देख सकते हैं, 1900 आरपीएम पर 540 चक्कर मिल जाएंगे इस ट्रैक्टर में आपको, जो कि 540 आरपीएम मिलते हैं, जिससे आप हैवी ड्यूटी लोड वगैरह बड़ा रूटर बैटर इस ट्रैक्टर से आप आसानी से चला सकते हैं। ट्रैक्टर की लेंथ और लंबाई देख सकते हैं, डीसी लीवर पीसी लीवर दिए गए हैं। साइड पार्किंग ब्रेक का ऑप्शन मिल जाएगा, फोर व्हील ड्राइव का ऑप्शन दिया गया है। डुअल क्लच में ट्रैक्टर है। यहाँ आपको अपाटे फर के ऑप्शन मिल जाएंगे, यहाँ पर हॉर्न मिल जाएगी, हैंड रेसिंग का ऑप्शन दिया गया है, सारे के सारे ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर हाइड्रोलिक लॉक का ऑप्शन मिल जाएगा, सीट एडजस्टमेंट का ऑप्शन दिया गया है। किसान भाई ये जानकारी देख सकते हैं आप चार्ट में, 265 मैक्सिमम पीटीओ 33 है। किसान भाइयों, अगर ट्रैक्टर के बारे में अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ट्रैक्टर से रिलेटिव जानकारियाँ लाते रहते हैं। वीडियो के यहीं पर समाप्त करते हैं। जय जवान जय किसान।